खतरनाक बीमारी की लपेट में आके पंजाबी अपनी कीमती जाना गुआ रहे हैं। कैप्टन सरकार अपने फार्म हाउसों के सुती पई है। इन्होंने शब्दों का प्रगटावा आम आदमी पार्टी रोपड़ के जिला प्रधान हरमिंदर सिंह टाहे और वकील दिनेश चड्ढा वालों रूपनगर के मीडिया के रूबरू होते हुए किया गया। रूपनगर के आम आदमी पार्टी रूपनगर के अहदेदार वालों प्रेस मिलने दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार से कोरोना महामारी दौरान लोगों को सेहत सहूलत देने में फेल होने के दोष लगाए ने। इस मौके जिला प्रधान हरमिंदर सिंह टाहे और वकील दिनेश चड्ढा ने कहा कि इस खतरनाक बीमारी की लपेट में आके पंजाबी अपनी कीमती जाना गुआ रहे हैं। कैप्टन सरकार अपने फार्म हाउसों के सुती पई है। दूजे पास सरकार को बीमारी को नजिठण लिए सिर्फ कुछ ही जिले में वेंटीलेटर है, होर उन्होंने की कहा आओ जान लैने। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की जीरो लाइन टीवी दी रिपोर्ट। पंजाब सरकार कोरोना वायरस के कारण हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। झूठिया पंचा सरपंचा कॉल करके भरमा रहे हैं और उसकी थे इन्हों अपने अंदर झाकना चाहिए और अंदर की सफाई करनी चाहिए है। नंबर दो ते जिहड़ा हेल्थ सिस्टम है साडा, वेंटीलेटर सेंटर गौरमेंट ने भेजे है सारे खराब। पंजाब गौरमेंट कुछ नहीं कर रही, जिहड़े सेंटर तो वेंटीलेटर है वह भी खराब पए ने। और जिहड़े सरकारी हॉस्पिटल ने पंजाब दे विच रोपड़ दे विच वह सारे उत्थे भेड़ा बकरियां चल रही, उत्थे कोई प्रबंध नहीं किया इन्होंने गौरमेंट ने। और उस तो बाद जिहड़ी हेल्थ दे मेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती नहीं की, साडी पुरजोर मंग है कि उन्हों जिहड़े मेडिकल अफसर और जिहड़ा नर्सिंग स्टाफ है उसकी भर्ती की जाए पक्के तौर पर। जिहड़े गरीब बंदे आ साडे गरीब लोग है कमाई का जिन्हां कोल साधन नहीं हैगा और दुकानदार वेले हो गए है, साडी उह भी मंग है भी उन्हां दी आर्थिक तौर पर मदद की जाए। और ये कोरोना के वायरस जिहड़ी चली है ये नाल पंजाब गौरमेंट जिहड़ी हैगी है वो गरीब जिहड़ा तबका है जिवें कि दुकाना हो गई, स्कूल हो गए जिथे बच्चे पढ़ते हैं, जां कोई वर्कशापां हो गई, इन्हां ते कह दिंदे आ कि इन्हां नूं बंद कर दिओ भी इत्थे कोरोना आ जाणा। जदके इन्हां दी जदों अपनियां मीटिंगां हुंदियां अपने जिहड़े फंक्शन हुंदे आ उत्थे 100-100, 200-200 बंदे खड़े हुंदे आ, तो इस करके सानू बेवकूफ बना रहे हैं। और हुण जिहड़ी इन्हां ने आपसियां जिहड़ी खिचोतान की है और वो जिहड़ी खिचोतान है वो भी इन्हां ने एक अपना दू जिहड़ा ध्यान है कोरोना वायरस तो भड़का के दूजे पासे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनियां रोटियां सेक रहे हैं। ये होर कुछ नहीं है, ये जिहड़ी सरकार है कैप्टन की सरकार है ये बुरी तरह फेल हो चुकी है। और नैतिक तौर पर इन्हां कैप्टन साहब नूं इस चीज़ बारे माफ़ी मंगनी चाहिए है पूरे पंजाब तो, ना कि ये जिहड़े लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 10 लाख दे देना एक पिंड दे पूरे टीका लगाकरण कर लिया जे, तो ये जिहड़े पहला उन्होंने वादे किए कम से कम वही पूरे कर दे तो अच्छी गल है। हर एक बंदा टीका लवाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गौरमेंट दे कोल टीके ही है नहीं है। मैं खुद पहली तरीक तो भज्जिया नठिया टीके वास्ते, 12 दिन बाद मेरे टीका लग्या, टीके नहीं है गौरमेंट दे कोल, इन्होंने अप्लाई नहीं किए है। मेरी थोड़ी मिलनी पहली बार फर्स्ट हुई जी। साढ़े सत्कारित जिला प्रधान साहब ने, जिला सकत्र साहब ने जो अज सत्कारयोग मीडिया के राही पंजाब सरकार नूं बेनती करन दी कोशिश की है, उहदी नौबत इस करके आई कि अज कैप्टन साहब अज तक फार्म हाउस तो नहीं निकले, कैप्टन साहब जां उहनां दे मंत्री अज तक हस्पतालां दे विच नहीं पहुंचे, उहनां ने कोई परवाह नहीं की, जिस करके अज नौबत इत्थे तक पहुँच गई। तुसीं अज दीआं अखबारां भी देखियां होणियां कि अज पंजाब दे विच मौत की दर, करोना मरीजां दे मौत की दर पूरे मुल्क दे विचों नंबर एक ते आ गई। पंजाब कल्ला सूबा है जिथे मौत की दर जिहड़ी है वह 2% नूं क्रॉस कर गई, करीब करीब 2.6% हो गई। सो अज पंजाब दे विच प्रैस मिलनियां करन दा, प्रैस दे राहीं लोकां तक और सरकार तक सुनेहा पहुँचाउण दा मकसद यह है कि ये मौत दर होर वधनी नहीं चाहिए, जिस करके कैप्टन साहब हुण फार्म हाउस चों निकल के बाहर आण। बाकी सूबयां दे विच जिहड़ी मौत दर है वह घटनी शुरू हो गई, पंजाब च उल्टा हजे भी वध रही है। वह हस्पतालां दे वल दा रुख करन, वह देखण कि पंजाब दे विच सिर्फ 8 जिलों के होस्पिटल है जिन्हां दे विच वेंटीलेटर चलते हैं। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उन्हां 8 जिलों के विचों भी जिहड़े डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल है वह सिर्फ 3 है
सिर्फ तीन जिला होस्पिटल है जिन्हों के वेंटीलेटर चलते हैं, बाकी तिना तो बिना तीन मेडिकल कॉलेज आ गए, एक बठिंडे वाला एम्स आ गया, वो पंजाब सरकार का नहीं है, अठवा एक मिलटरी होस्पिटल आ गया। जेकर असी ICU की गल करिए पंजाब दे विच सिर्फ पांच जिलों के ICU चलते हैं, वो पांचों दे विचों सिर्फ तीन सिर्फ दो जिला होस्पिटल है जिन्हों के ICU चलते हैं, बाकी तीन मेडिकल कॉलेज आ गए, एक गुरदासपुर जिले वाला मिलटरी होस्पिटल आ गया। सो जिथे सिर्फ तीन जिला होस्पिटलों के वेंटीलेटर हो, जिथे सिर्फ दो जिला होस्पिटलों के ICU हो, उत्थे मौत की दर तो आपे वधनी है। पंजाब दे विच मौत की दर जिहड़ा वधन का कारण है वो यही है कि जदों कोई करोना पॉजिटिव सीरीयस मरीज नूं घरों लैके चलता, जिहड़ा नंगल तो लैके चलता, उन्हूं कितें चंडीगढ़ तक वेंटीलेटर नहीं मिलता। जदों चंडीगढ़ तक ICU नहीं मिलना, वेंटीलेटर नहीं मिलना, तो जिहड़ी मौत की दर है वह तो वधनी वधनी है। फिर दूजे पासे जदों प्राइवेट कड़िकी दे विच कोई बंदा फस जाता, क्योंकि मजबूरी है, हर एक बंदे यह हों कि चाहे जमीन चली जाए असी अपने परिवारक मैंबर की जान बचाइए, तो जिहड़ियां हस्पतालों नूं पिछली अकाली सरकार ने ते हुण दी कैप्टन सरकार ने जमीनां दित्तियां हुई कौडियां दे भाव जदों उहनां दे नाल वाह पैंदा, वह लख लख रुपया रोज़ का वेंटीलेटर की वसूली कर रहे हैं, चीज़ां रिकॉर्ड ते ने, पर पंजाब सरकार जिहड़ी सुत्ती पई है। दूजे पासे लोग करोना दे नाल लड़न नूं तैयार ने, लोग दुकाना बंद करने तैयार ने, टैक्सी वाले घरें बैठे ने, ऑटो वाले घरें बैठे ने, पर पंजाब सरकार उन्होंने रोटी देने तैयार नहीं है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने टैक्सी वालों पांच हज़ार का ऐलान करता, जेडे पीड़ित जिन्हों की डैथ हुई करोना के नाल उन्होंने 50,000 रुपया मुआवजे का ऐलान करता, उन्होंने परिवारक मैंबरों 2500 रुपया महीने का ऐलान करता, दो महीने के दा राशन देता, यह भी कहता कि राशन कार्ड नहीं है ता भी राशन मिल जूगा, पर पंजाब सरकार निरापुरा अपने थानेदारां दे डंडे दे नाल ही लोगों नूं अंदर बाड़न ते तुली हुई है, जिहड़ी चीज़ के प्रैक्टिकली है। सो इन्हां सारियां चीज़ां करके मौत दर वध रही है। असीं आम आदमी पार्टी वल्लों बेनती करदे हां पंजाब सरकार नूं, पंजाब सरकार दे नुमाइंदियां नूं, कि कृपा करके पंजाब दे हालातां नूं सुधारन दे लई जिला पद्धरी होस्पिटलों के वेंटीलेटर जिहड़े आ चला दो, जंदा लगे पे है, जिहड़े दानी सज्जणां ने दित्ते दान किए वो तुसीं उहनां नूं चलाउण जोगे भी नहीं है, तुसीं वो वेंटीलेटर भी चलाउण जोगे नहीं है, तो वह वेंटीलेटरां नूं उहनां ICU नूं चला दो ताकि जिहड़ियां कीमती जाना वो बिना गल तो ना जाण। यह सारी ड्रामेबाजी है। तुसीं दस दो, तुसीं बतौर पत्रकार तुहानूं लगता कि पंजाब के किसी भी पिंड च किसी भी शहर च कोई बंदा रोटी तो बिना रह जूगा? ठीक है, जे सेवा करनी कर, रोटी की सेवा भी कर, पर जिहड़ी पहलां करन वाली गल है वह तो करो ना। मरता रहा बंदा इलाज वजो, तुसीं ऐलान करी जांदे कि असीं रोटी दे दांगे, रोटी वजो पंजाब च कोई नहीं मर रहा। पंजाब वैसे भी गुरुआं पीरां दी धरती है, इत्थे तां मैं कहिंदा सारे सूबिआं नूं खड़ा दी, उह खड़ा भी रहे पंजाब वाले, दूर दूर तक जाके लंगर ला रहे। सो वह मुद्दा नहीं, अज मुद्दा सेहत सहूलतां दा है, सेहत सहूलतां वल नूं लोकां दी लुट बंद कराउण ते उस पासे ध्यान देण। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆੜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
खड़ के होंगी हस्पतालों जाके होंगी। जे दिल्ली दे विच कोई कमी आई सी तो दिन रात दिल्ली के जोड़े साढ़े नुमाइंदे वो सुते नहीं, वो 24 घंटे कोशिशा करते रहे लोगों के नाल राबते जो के असी ऑक्सीजन का वो वध बंदोबस्त करिए। अरविंद केजरीवाल जी आप, राघव चड्ढा जी आप, थोड़ा दिन रात हस्पतालों के दिखाई दिते। तुम मैं दस दो अज पंजाब के मंत्री कितने, अरे पंजाब सरकार के नुमाइंदे कितने, दिखता कोई हस्पताल जान के मूँह लैके जो उत्थे इन्हां कोल है कुछ नहीं दिखाने लई। पुलिस के उपर हमला होया, पुलिस के दो जो कि जवान है वो शहीद हुए हैं, किस तरह देखते? देखो जो गृह विभाग है वो कैप्टन साहब के कोल है और अज तक एक प्राप्ति दस दिन गृह विभाग की जदों के कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने हैं। जे बेअदबिया की इन्होंने जाँच करनी सी वो नहीं की, जेकर इन्होंने कोटकपूरा तो बहबल कल गोलीकांड की कार्रवाई करनी सी इन्होंने वो नहीं की। गैंगस्टर ये कह रहे कि पंजाब के विचों खत्म हो गए, गैंगस्टर जिहड़े डंडे नाल नहीं खत्म हो सकते, गैंगस्टरां नूं खत्म करन दे लई भी चंगीआं नीतियां दी लोड़ है। जेलां दे विच हाल देख लो, नरक बनिया पिया, बाहर तां लिखिआ हुआ सुधार कर पर अंदरों जिहड़े मुंडे है जे एक बार कोई छोटे जिहे क्राइम च जेल चल गया अंदरों वड्डा गैंगस्टर बन के आंदा। सो इह सिर्फ बयानबाजी है, असल दे विच पंजाब दी जवानी नूं सही रस्ते ते लिआउण लई जिहड़ा बंदा क्राइम ते राह ते पै गया एक बार उहनूं सही राह ते लैके आउण दे लई सरकार दी बिल्कुल कोई नीति नहीं है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिहड़े साडे धार्मिक माहर ने पंजाब दे उहनां नूं विदेशां दे विच जिहड़े उत्थों दे जेलां दे डिपार्टमेंट है वो हायर कर रहे ने, पैसे दे रहे ने कि तुसीं गुरबाणी दा ज्ञान दे के जिहड़े क्रिमिनल है जां होर धर्मां दा ज्ञान दे के उहनां नूं सुधारो, सही राह ते लैके आओ। पर पंजाब साड़ी पंजाब सरकार इन्नी निकम्मी है कि ये इत्थे भी उन्होंने सेवावां जिहड़ा वो नहीं लै सकदी और जेलां दे विच एक कोई एक सिंगल प्रोग्राम भी नहीं है सुधारन दा, मुंडिया नूं जिहड़ा कोई क्राइम दे विच चल गया उहनूं सुधारन दा कोई प्रोग्राम नहीं है, उल्टा बिगाड़न दे जरूर हैगे। आम आदमी पार्टी दे विच भी फुट हैगी है? आम आदमी पार्टी दे विच तां किसी तरह की कोई फुट नहीं है और जिहड़ी कांग्रेस दी फुट की गल करते हैं वो कांग्रेस के जिहड़े मंत्री है वो भी सिर्फ रोज़ रौला रप्पा पाई जांदे। उन्होंने भी चाहिए कि जे कैप्टन साहब ने बादलों नाल फिक्सिंग की है तो जिहड़े बाकी मंत्री हुण अज रौला पाते हैं उन्हां दी सहमति तो बगैर नहीं की, क्योंकि उन्हां दी सपोर्ट दे नाल ही, मैं जे सहमति नहीं तो उन्हां दी सपोर्ट दे नाल ही कैप्टन साहब मुख्यमंत्री है। जदों तुहानूं पता कि तुहाडी सपोर्ट दे नाल बणिया होया मुख्यमंत्री नशियां दे मुद्दे पर, बेअदबी दे मुद्दे पर, कोटकपूरा गोलीकांड दे मुद्दे पर बादलों दे नाल फिक्सिंग कर रहा, हुण तुसीं उहनूं मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी बैठे हैं? जे तुसीं उहनूं मुख्यमंत्री बना के रखी बैठे हैं तो तुसीं भी बराबर दे कसूरवार है। जेकर तुसीं वाकई पाक साफ है तो अपनी सपोर्ट वो तो वापस लैके उन्होंने मुद्दे मूँह घेरो, फिर तुसीं लोकां दे विच सच्चे होकर नित्र सकते हैं।